वन आर्ग्यूमेंट दैट कम्स फ्रॉम गोवा इज दैट कि आप उन्हें जितना फ्रीडम देना चाहिए उतना फ्रीडम नहीं देते. ऐसा है, फेस्टिवल करने के पहले एक MOU साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसमें डिलिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि गोवा सरकार क्या करेगी और हम लोग क्या करेंगे. तो इस डिलिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में बैठ के एट द हाईएस्ट लेवल गोवा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से उच्च लेवल पे ये सारी बातें आमने सामने बैठ के डिस्कस किया जाता है. और कुछ चीज़ें गोवा सरकार करना चाहती है, कुछ केंद्र सरकार करना चाहती है. इसको डिलिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि आप ये हमारे लिए करेंगे और हम कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे. तो इसके आधार पर हम लोग जो फिल्म कंटेंट है वो हम लोग सजाते हैं और गोवा सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो संभालती है. नाउ इसमें किसी का इंटरफेरेंस का कोई मुद्दा ही नहीं उठता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और जो फैसिलिटीज़ देना है, थिएटर वगैरह, वो सब गोवा सरकार का है. उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है. फिल्म कंटेंट जो हमने प्रोवाइड करना है, जो फिल्म फेस्टिवल के लोगों को, फिल्म मेकर्स को लेके आना है, जितने सारे मास्टर क्लासेस और सेमिनार्स हैं और ये सारी बातें हैं, वो हम लोग करते हैं. तो इसमें बहुत क्लियर कट रोल्स हैं. हमारा उद्देश्य और लक्ष्य एक है. गोवा का कहना यही है कि उन्हें उस कंटेंट में थोड़ी तो भागीदारी चाहिए. भागीदारी क्यों नहीं हो सकती? अगर ये जिस स्थल पे ये डिस्कस किया जाता है, अगर ये उस स्थल पे अगर ये बात उठाई जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये उस फोरम पे उठनी चाहिए जहाँ MOU से पहले होना चाहिए. बिल्कुल, इसमें तो कोई MOU के बाद बातें नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि MOU हाईएस्ट जो बॉडी है गोवा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार, जब वो डिस्कस करते हैं MOU, उस स्थल पे ये बातें उठनी चाहिए कि अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ योगदान देना चाहते हैं, या गोवा सरकार कहती है कंटेंट में वो कुछ करना चाहती है, तो उस स्थल पे आना चाहिए. एक बार ये दोनों ने हस्ताक्षर कर लिया है तो फिर बात खत्म होगी. इसी का परिमार्जन होता है कि जब विष्णु बाग आए थे हमारे एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वी आर रेडी टू होस्ट अवर ओन फिल्म फेस्टिवल. हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? देखिए, ये मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आपकी बातों को अगर मैं विश्वास कर लूँ तो ये स्पष्ट रूप से आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. मेरे पास आज तक, इस वक्त तक मेरे पास ऐसा कोई विचार ना उन्होंने प्रकट किया है, ना गोवा सरकार में से किसी ने भी प्रकट किया है. लेकिन अगर ये कहना है कि गोवा सरकार को अपना एक फेस्टिवल करना है, तो ये उचित है और ये उस स्तर पर ये बात उठाई जाए जहाँ पर ये सारी बातें उठती है गोवा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, और वो दोनों बैठ के आपस में तय कर ले. क्या लगता है आपको, इज गोवा प्रिपेयर्ड टू होस्ट इट्स ओन फिल्म फेस्टिवल? देखिए, दो चीज़ें हैं फिल्म फेस्टिवल, रादर तीन चीज़ें हैं. एक तो इच्छा होनी चाहिए आपको फेस्टिवल करने में, क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने में है. और दूसरी बात ये कि आपके पास उसके लिए बजट होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए इतने बड़े पैमाने पे. और तीसरी बात, आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए. ये तीन चीज़ों का अगर संगम हो तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात हो सकती है. इज गोवा रेडी? क्या गोवा के पास ये तीन चीज़ें हैं? उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो संगम है. आप तो अभी दो तीन सालों से इतने नजदीक से काम करें, आपको तो बताओ. बजट की बात छोड़ दीजिए, बजट शायद दैट इज CM's रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्सपर्टीज के बारे में जब आप कहते हैं, कि कंटेंट के बारे में जब आप कहते हैं, इज गोवा हैविंग दैट एक्सपर्टीज टू चूज दैट कंटेंट? मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में अगर गोवा सीरियस है तो देन इट विल बी एबल टू डेवलप नो दोस काइंड ऑफ पीपल हु कैन हेल्प देम विद द कंटेंट. राइट नाउ नहीं है मेरे दृष्टिकोण में. शायद मैं गलत हो सकता हूँ, अभी तो मेरे दृष्टिकोण में नहीं है, लेकिन गोवा सरकार के पास हो सकता है जो मेरे दृष्टिकोण में नहीं है. तो मैं बस इतना ही कह के मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में तो नहीं है. हाँ. लेकिन गोवा सरकार के पास हो सकती है. सर, आपने कहा कि जहाँ जहाँ इफ़ी इवन ट्रेवल्ड, वहाँ अपने खुद के फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गए. अगर हम ESG की बात माने या विष्णुवाग जी की बात माने, तो क्या एक दो बातें हो सकती है? एक, इफ़ी का जो आयोजन है वो कम्प्लीटली गोवा सरकार के पास आ जाएगा, या गोवा अपना खुद का एक फिल्म फेस्टिवल शुरू करेगा? अगर साल में दो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, इज इट अफोर्डेबल और इट विल बी टू कंजेस्टेड? देखिए, फिल्में तो हर साल लिमिटेड ही है. आप अगर देखेंगे अभी इंडिया में कई फेस्टिवल्स आ गए हैं. कलकत्ता में है,
हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है, ट्रिवेंड्रम में है, इतनी सारी, ये तो बड़ी फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ। छोटे तो मेरे ख्याल में और 200 या 300 और फेस्टिवल्स होंगे जिनका मैं अभी गिनती में नहीं ले रहा हूँ। तो और ये सारी फेस्टिवल्स वही फिल्में मांगती हैं। गोवा का और इफ़ी का आज तक यही एक USP रहा है, यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा है कि यहाँ पे जो फेस्टिवल्स के जो फिल्में हैं, फॉरेन फिल्म्स हैं, वो सारे प्रीमियर्स हैं। तो ये इफ़ी का एक USP है। इस साल अगर आप गिनती में देखेंगे तकरीबन 80 फिल्म फॉरेन फिल्म्स है जो प्रीमियर्स है, जो थिएटर्स में आपको देखने को कभी मिलेंगे नहीं। हमारे पास तकरीबन 369 फिल्म्स इंडियन और फॉरेन के हैं। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ फिल्म्स हर साल आता है। तो मैं नहीं समझता कि इस पैमाने पे, हो सकता है एक छोटे पैमाने पे आप कर पाएंगे या कोई भी कर पाएगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे दो फेस्टिवल्स करना इज़ नॉट अफोर्डेबल। अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, मे बी इन टर्म्स ऑफ बजट इट मे बी अफोर्डेबल, लेकिन कंटेंट ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरलैपिंग और फिल्में शायद अच्छी फिल्में आपको ना मिले, तो वह कंटेंट सफर हो जाएगा। सफर हो जाएगा, कंटेंट विल बी द इमीडिएट सफरिंग इफ यू आर हैविंग टू सच ह्यूज फेस्टिवल्स। सर दूसरी बात ये कही जाती है कि इतने साल इफी हो गए, मतलब देयर वर सम सेलिब्रिटीज व्हिच केम फ्रॉम द वेस्ट, प्रॉपर सेलिब्रिटीज विद ग्लैमर, बट हमेशा फिल्म लवर्स भी कहते हैं कि व्हाई आर यू नॉट गेटिंग स्पीलबर्ग, और वाई आर यू नॉट गेटिंग कैमरून, और वाई आर यू नॉट गेटिंग क्रिस्टोफर नोलन, दिस काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज, वहाँ आप पीछे क्यों हट जाते हैं? अगर वो अगर यहाँ पे आएंगे और वो अगर यहाँ पे मास्टर क्लास लेंगे, इट विल बी रियल वर्थ, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कम्स फॉरवर्ड। या उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, यू कैन गेट हिम, इट इज़ वेरी इजी टू गेट दिस वेरी एमिनेंट पीपल, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जैसे मैंने कहा, दो एक तो प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बहुत ही बिजी लोग हैं, तो इनके कैलेंडर में एक डेढ़ या दो साल तक सारी बुकिंग हो गई होती है। और दूसरी बात, क्या आप तैयार हैं इसके साथ जो व्यवस्थाएं करनी है आपने? कई ऐसे हॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जो प्राइवेट जेट में ही ट्रैवल करते हैं, क्या आप वो व्यवस्था दे पाएंगे उनको? तो हमें पहले ही एड्रेस करना पड़ेगा इस संगीन मामले को, जो बहुत ही अहम है। तो ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं जो आने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर हम आज तय कर लें कि हाँ हम उनको लेके आना चाहते हैं, तो उनके कैलेंडर में बुक कर देते हैं, लेकिन फिर व्यवस्था, क्या व्यवस्था करेंगे? आज की तारीख में इवन फर्स्ट क्लास टिकट्स हम लोग जो कुछ लोगों को दे रहे हैं, वो बहुत सोच के चुन चुन के हम लोग दे रहे हैं, तकरीबन 3 या 4 लोगों को फर्स्ट क्लास दे रहे हैं। हम लोग इस लेवल पर सोच रहे हैं कि उनको प्राइवेट जेट देना पड़ेगा, तो क्या हम लोग इस व्यवस्था के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ज़रूर हाजिर हो जाएंगे वो, इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है, वी आर नॉट रेडी? इट इज़ ऑल अबाउट फंडिंग एंड मनी, वेदर यू नो वी आर सीरियस अबाउट स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, and you know whether we can afford to do that. So these are some of the things we need to think about seriously. And unless and until that budgetary aspect or money aspect is tackled, is first looked at, kyunki they are used to a certain amount of lifestyle, hum usko nakar nahi sakte. So when you are looking at those celebrities and those important people, then you have to look at the lifestyle they are living and whether you are ready to accept and offer those lifestyles to them. That is how other festivals are inviting them. Yeah, other festivals take care of all these things and then they invite. Exactly. Sir, 10th year hai agle saal IFFI ka. Kya hai aapke dimag? Ye agle IFFI 10th saal akela nahi. It is also going to be the centenary year of Indian cinema. Yeah. 2013. तो उसका जो फ्लैग ऑफ तो इस साल हमने कर ही दिया है। तो 2013 में हम लोग ऐसे कई चीज़ें लेके आएंगे जो सेंटेनरी से जुड़ा हुआ है बहुत गहरे स्तर पे। तो ये तो अभी मैं खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और अगले साल ज़रूर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो 2013 से जुड़ी हो और इंडियन सिनेमा और 100 साल का जो जर्नी है उससे गहरा संबंध रखता हो। आप अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। नो न्यू इनिशिएटिव्स यू वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ? राइट नाउ आई एम ओनली 4-5 days इनटू दिस फेस्टिवल। यू वांट टू फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द 5 days? एग्जैक्टली। सर लास्ट थिंग, जून में भी खबर आई थी, अब फिर से खबरें आनी शुरू हो गई है कि समवेयर यू आर कमिंग बैक टू गोवा, गेटिंग एकोमोडेटेड इन ESG एट अ वेरी हाई लेवल पोस्ट। आई कैनॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज आई हैव नॉट बीन गिवन एनी ऑफर till this date, so
दैट इज़ समथिंग आई कैन नॉट इवन कमेंट अबाउट. ये आपके ज़बान से पहली बार सुन रहा हूँ ये जो न्यूज़ है, तो इसके पहले तो मैंने सुना नहीं, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट. आपकी आप तैयार हैं अगर कल अगर ऐसी ऑफर आती है? अंग्रेजी में कहावत है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट. यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द ब्रिज? नहीं, रीच द ब्रिज. आई मीन ऐसा कुछ तो विचार मेरे मन में अभी तक आया नहीं है, ना ही मेरे ख्याल में गोवा सरकार के मन में ऐसा कुछ है. और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही थी कि जून में भी चल रही थी, और इफी चल रहा है, और फिर भी वापस खबरें आनी शुरू हो गई है कि शंकर मोहन जी समवेयर विल बी. मुझे ऐसा है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इफ देयर इज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू help and support in my own small way, in whatever way my advice is required on anything that Goa government wants. So there is usme koi issue nahi hai. You are fully there? I am fully there so far as cinema is concerned. And you know, I have got in whatever way I can be of there is no formal offer till now? Absolutely not. Absolutely not. Not. और इस वक्त इफी हाफ वे आप कुछ सोचना भी नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस है वो आने वाले 5-6 दिनों में, तो मेरा पूरा ध्यान जो केंद्रित है इस फेस्टिवल को अच्छी तरह से आगे भी निभाने के लिए. लास्ट क्वेश्चन, क्या अचीवमेंट रहेगा इस इफी का? सेंटनरी ईयर शुरू हो गया है, व्हाट विल बी द अचीवमेंट? अचीवमेंट ये है कि मैं और लोगों से मिल पाया हूँ, नए लोगों से मिल पाया हूँ, नए कलाकारों से मिल पाया हूँ, छात्रों से मिल पाया हूँ. और जैसे कि मैंने कहा, ये फेस्टिवल पिछले फेस्टिवल से भी बेहतरीन करने की इच्छा है, 2011 से भी बेहतरीन करने का. और मेरा उम्मीद है कि हर फेस्टिवल जो यहाँ पे होगा वो पिछले फेस्टिवल से भी बेहतरीन हो, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट, और इन टर्म्स ऑफ एनरिचिंग जो डेलीगेट्स यहाँ पे. सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज़ देयर इज बीन अ रिजीम चेंज आल्सो. द सपोर्ट हैज बीन वेरी गुड, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. वी हैव गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम यू नो फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट in all matters that you know we have requested for. To usme koi dikkat nahi aa rahi compared to last year, because there is a regime change, as I said. I don't like to, we are feeling the presence of CM very often in the whole Inox and ESG area. Well, you know, CM was responsible for bringing in this festival in 2004 to Goa, so in a sense he has a deep connection with the festival. So therefore I am not able to, you know, digest the fact that they want to de-link, when you are saying they want to de-link from IFI. तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है. तो खैर, आप कह रहे हैं और मैं इसको सुन रहा हूँ, लेकिन बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक फंक्शनिंग स्टाइल है, तो वो उभर के आ रहा है इस फेस्टिवल. यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी विद, आई हैव नो इश्यूज. सर, थैंक्स अ लॉट. बिजी शेड्यूल था, फिर भी आप आए, यू गिव अस दिस इंटरव्यू. थैंक्स, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग. इट्स माय ऑनर टू स्पीक टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.